हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रोस्टाग्लैंडिन के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमारे जो कॉक्स थे उनके तीन मेन टाइप के बारे में हमने देखा था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। ये वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए काफी मददगार होगा, क्योंकि ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे, ये आपको आने वाले समय में प्रोस्टाग्लैंडिन के इंपॉर्टेंट रोल, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के लिए जाने के कारण से जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो इफेक्ट या तो डिजायरेबल होंगे या तो अनडिजायरेबल होंगे, यानी कि थेरेपोटिक या तो फिर साइड इफेक्ट होंगे, कंट्राइंडिकेशन होंगे, इनको समझने में आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पहले ऑर्गन सिस्टम, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन के डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप है, प्रोस्टासाइक्लिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, इन तरह के और जो थ्रोम्बोक्सेन है, इनके अलग अलग काम करने के तरीके हैं। तो इनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली हम इनके रिजल्ट को भी अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के इनके जो इफेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, ब्लड वेसल्स पे, तो आप पाएंगे कि ये वैसोडायलेटर देने का इफेक्ट शो करते हैं। इट मींस दीज आर द वैसोडायलेटिंग इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं थ्रोम्बोक्सेन A2 की, तो यहीं पे ये आपको उल्टा इफेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहलाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसलिए आपको उनके नाम के अकॉर्डिंगली ये याद रखना होगा। अगला अगर हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की, तो ये जो दोनों हैं वो एक प्रकार से वीक कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग हैं। कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके कार्डियक के फंक्शन को, आपके हार्ट के काम करने के सिस्टम को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर आउट करते हैं, एनहांस सब्जेक्ट को हम कहते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट। तो ये आपके कार्डियक को स्टिमुलेट तो करते हैं, बट इनके अंदर वो पोटेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, दैट इज व्हाई दीज आर द वीक कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो गए हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। अगर हम बात करते हैं इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन के अगले ऑर्गन सिस्टम पे, तो ये है आपका GIT। इनके इन मोस्ट ऑफ द केस GIT पे जो इनका इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बार और आपसे मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब कभी भी हम NSAID के बारे में पढ़ेंगे तो उनके कुछ इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं GIT पे भी एक इंपॉर्टेंट इनका टच हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं, मोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सेन कैन स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स, जो आपके इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं हमारे मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। और इस इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल के स्टिमुलेट करने पे क्या होगा, जैसा कि आपने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था ऑटोकॉइड्स के केस में, तो ये आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होने के कारण से जो हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा वो होगा वाटरी डायरिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इवैक्यूएशन होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा होगा, तो ये वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, इनको ये इफेक्ट करेंगे। अफेक्ट करने के कारण से जो एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल है उसमें वाटर का लेवल या वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, एंड दैट इज सिंपली नोन एज अ डायरिया और कैंसर, इट इज अ कॉज ऑफ वाटरी डायरिया। तो ये एक प्रकार से अनवांटेड इफेक्ट होगा हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के। कभी कभी ये अनवांटेड इफेक्ट भी, ये वाटरी जो डायरिया है वो इसको वांटेड इफेक्ट के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि एक कंडीशन का साइड इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट कहीं ना कहीं वो डिजायरेबल इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, तब उस केस में कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा एज अ थेरेपोटिक इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप्स। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की, तो अगर GIT पे हम देखेंगे स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का, तो ये एसिड के प्रोडक्शन को कम कर रहा होगा। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये स्पेसिफिकली शो किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव COX-1 के द्वारा। तो अगर हम COX-1 की बात करते हैं, तो ये आपके गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे होंगे, साथ ही साथ ये म्यूकस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट या इंक्रीज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये आपके इंटेस्टाइन में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करेंगे, और आगे जाकर के जो अल्सर होने की संभावना थी ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, इनकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम को ये सप्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो बेसिकली एसिड के रिडक्शन या तो आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में यूज करते हैं। अगर हम नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यूज करते हैं, तो डेफिनेटली नॉन सेलेक्टिव का मतलब ही यही है कि वो किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा, जहां पे उसकी इच्छा होगी वो रैंडमली उनको ब्लॉक कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर लेते हैं, तो वो COX-1 को भी इनहिबिट कर सकता है, COX-2 को भी इनहिबिट कर सकता है, साइमल्टेनियसली इन सम केस ये COX-3 को भी इनहिबिट कर सकता है।
कॉक्स टू को अगर ये इनहिबिट करेगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम होगा और पेन या इन्फ्लेमेशन को आप कम कर सकते हैं। क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है इसीलिए ये कॉक्स वन को भी अफेक्ट करेगा, और कॉक्स वन के अफेक्ट करने की वजह से जो कॉक्स वन का काम बेसिकली था वो भी अफेक्ट होगा। तो आप यहां पे पाएंगे कि कॉक्स वन खास करके प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू के केस में अगर हम बात करें तो ये आपके एसिड के प्रोडक्शन को कम और म्यूकस को ज्यादा कर रहा था। अगर ये एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो हमको इसका ऑपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट था बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस ये कम हो जाएगा। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो ओवर द सर्फेस था वो कम होगा, जिसकी वजह से आगे जा करके गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन की वजह से अल्सर की बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम आगे आने वाले समय भी देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एयरवे पे सांस लेने पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एयरवे ट्रैक है इन पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू और प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू की, तो ये रिलैक्स करते हैं हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। तो ये दिस इज आर द ब्रोंकियल मसल रिलैक्सेंट, कौन कौन से, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू और प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू, इन दोनों का जो इफेक्ट है वो रिलैक्सेशन इफेक्ट है। जबकि अगर हम बात करते हैं कॉक्स के साथ साथ डिफरेंट और टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन है जैसे थ्रोम्बोक्सिन ए टू या प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू अल्फा, तो इनका जो इफेक्ट है जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। और जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल का तो ये ट्रिगर करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होंगे अस्थमा के केस में। सो एनी पर्सन हु इज हैविंग अ काइंड ऑफ अस्थमा उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अस्थमा के केस में। क्योंकि जब एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो एयर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके वजह से विजलिंग की आउट जो साउंड है, आवाज है, ये आनी शुरू हो जाएगी, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है अस्थमा के केस में। और अगर किसी तरह के एलर्जन की एंट्री होती है तो भी वहां पे हमारे जो आपके गॉबलेट्स रिप्रेजेंट हैं वो भी एक्सेसिव मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन करने लगेंगे। तो एक तरफ तो आपका एयरवे नैरो होता चल रहा है, दूसरी तरफ एंटीजन के आने की वजह से हमारा एंटीबॉडी एक्टिवेट हो चुका है, और इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के वजह से मास सेल भी एक्टिवेट हो गए हैं, और मास सेल से आपने पिछले पार्ट में देखा हिस्टामिन रिलीज होता है, तो ये हिस्टामिन रिलीज होकर के इस म्यूकस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। तो एक तरफ आपका स्मूथ मसल और ब्रोंकिया का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी तरफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ये दोनों आपके एयरवे को चोक कर देंगे और इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ जाएगी, और ये एक अस्थमा का स्टार्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट पे इसके भी अलग अलग तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं थ्रोम्बोक्सिन ए टू की, तो ये इंक्रीज करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को। चूंकि ये थ्रोम्बोक्सिन ए टू प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज कर सकता है या कर रहा है, तो आगे जाकर के डेफिनेटली आपकी क्लॉटिंग को भी ये इंप्रूव करेगा, यानी कि ये एक प्रकार से हीमोस्टेसिस का काम करेगा और क्लॉटिंग को फॉर्म करेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू की, दिस इज अ थ्रोम्बोक्सिन ए टू, और हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू की, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन को। दिस आर जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट, अगर प्लेटलेट का एग्रीगेशन इनहिबिट होगा, कम होगा, तो वहां पे जो आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ था वो अब पहले की जैसे नहीं होगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू इज इनहिबिटिंग द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये इनहिबिट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू की, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो ई टू है वो इंक्रीज करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, लेकिन कंडीशन यहां पे एक चीज बहुत स्पेसिफिक किया गया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू तो आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है लेकिन इन लो कंसेंट्रेशन। जबकि अगर हम बात करते हैं इसके हायर कंसेंट पे, तो ये जो आपके प्लेटलेट है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करेंगे इन हायर कंसेंट्रेशन। तो ये जो स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है, और आज हमने जो पॉइंट्स नोट किए हैं आपके व्हाइट बोर्ड में, इसे हमने लिया हुआ है केजी त्रिपाठी से, साथ साथ पद्मदा उदय कुमार की बुक से इंक्लूड किया हुआ है। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको इनको इंक्लूड किया गया है ताकि ये आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकें और आपको समराइज करने में काफी मदद कर सकें। ये जी पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके मेन एग्जाम के एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है इनके और ऑर्गन सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और उसमें से भी दो पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन यूट्रस को। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आगे जाकर के डिलीवरी के प्रोसेस को भी ये फैसिलिटेट करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर दैट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा ये दोनों मिलकर के ह्यूमन यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके ऊपर जो और अदर इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, इवैल्यूएशन हुए हैं, ये गिनी पिग ये जैसे और भी कुछ एनिमल हैं उन पे हुए हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट देखने को आपको मिल रहा है वो मोस्ट ऑफ द केस हमने रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो डिराइव किया है इंफॉर्मेशन वो आपके ह्यूमन यूट्रस पे इफेक्ट शो करता है। तो आगे हम बात करते हैं, तो इनका जो एक और इफेक्ट है वो है सर्विक्स पे। तो ये सॉफ्ट ऑन द सर्विक्स करते हैं ताकि आगे जाकर कंसीव होने के बाद उसके जो सेल्स हैं इनके ग्रोथ होने में काफी मदद कर सके। तो ये सॉफ्ट ऑन करते हैं सर्विक्स को। अगला जो पार्ट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनिशिएट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं आपके लेबर को, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखा है। सो इनिशिएट करने के बाद ये आगे जाकर के उस प्रोसेस को प्रोग्रेसिव तरीके से इंक्रीज या फैसिलिटेट करने का भी काम करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट रोल है इनका, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसमिनोरिया एंड इन केस ऑफ मिनोरिया टू। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने में, फ्लो ऑफ ब्लड के रेगुलेट होने में, एज द लास्ट आप जब एक एज क्रॉस हो जाएंगे तो उस केस में डिसमेनोरिया के कॉज होने के लिए भी जो एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन का है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनोरिया एज वेल एज डिसमेनोरिया। तो ये हो गई हमारी बात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलिए अब हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इस प्रोस्टाग्लैंडिन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, इसके साथ साथ और भी कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है जिन पे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब हम उसको भी देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट, तो ये पाए जाते हैं हमारे स्पर्म पे, मेल के स्पर्म में ये पाए जाएंगे, और इसके कारण से ये आगे जाकर के स्पर्म सेल की मोर्टिलिटी को भी ये रेगुलेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या यू कह लीजिए फैसिलिटेट करते हैं। इनके स्पर्म सेल के मोबिलिटी को, मोटिलिटी को फैसिलिटेट करने की वजह से जो इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ स्पर्म की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते थे, इनको ये रेगुलेट करने या मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी अवेलेबिलिटी को, तो ये लार्ज अमाउंट में पाए जाएंगे सेमिनल वेसिकल्स पे, और इनका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होगा टेस्टिस पे, ये कम अमाउंट में पाए जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का मेल के पेनाइल इरेक्शन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये पेनाइल इरेक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी जिसका कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसके रेडिएशन के लिए, इनके रिमूवल के लिए भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो गया आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या इफेक्ट होता है। अब हम बात करने वाले हैं इनके इफेक्ट ऑन किडनी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन बेसिकली रीनल वैसोडायलेशन को कॉज करते हैं। रीनल वैसोडायलेशन के कारण से और आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को एक साथ कोलैबोरेट करने की वजह से ये डायुरेटिक का भी इफेक्ट शो करते हैं। व्हाट इज डायुरेटिक, इसके ऊपर हमने काफी सारे पार्ट्स में अपलोड किए हुए हैं। कोई भी ऐसा एजेंट जो यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज करता हो बाय इनहिबिटिंग द रीअब्सॉर्प्शन और इंक्रीजिंग द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम ऐसा वहां बाइकार्बोनेट टू, तो इस तरीके से ये अपना डायुरेटिक इफेक्ट भी शो करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कहां पे सिंथेसिस होते हैं इन वाले पॉइंट को, तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर सिंथेसाइज्ड इन मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स इन किडनी। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर और फार्मासिस्ट जैसे कुछ और एग्जाम जहां पे एमसीक्यूज के पैटर्न को फॉलो किए जाते हैं। अगला जो इनका इंपॉर्टेंट रोल है, दे रेगुलेट द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये आपके सोडियम और वाटर जिसको हम लोग कह सकते हैं डायुरेटिक के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, और इनके रेगुलेट करने की वजह से ये आगे जाकर के आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट या मेंटेन करते हैं। दो चीजों को एक साथ जोड़कर अगर हम देखें तो इनको और आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि ये डायुरेटिक इफेक्ट शो करते हैं, और डायुरेटिक का जो इंपॉर्टेंट रोल या यूज है हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी देखा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के पहले क्लासिफिकेशन में डायुरेटिक आता है, और डायुरेटिक यूरिन के एलिमिनेशन को इंक्रीज करते हैं, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ जो सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, वाटर है, ये भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। तो जब सोडियम बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगा तो कहीं ना कहीं वो जो सॉल्ट है, सोडियम का रिटेंशन है जिनकी वजह से हाइपरटेंशन जनरेट हो रहा था, वो भी काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर और सोडियम के एलिमिनेशन को रेगुलेट करके हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन
आपके ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक रेगुलेट या मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, तो दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ रेनिन, ये आपके रेनिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। आपने एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के केस में, ऐसे ही इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इन दोनों के केस में ये भी देखा है कि जो रिलीज ऑफ रेनिन है ये हमारे किडनी से होता है। और हम बात कर रहे हैं इसी किडनी के बारे में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेनिन के रिलीज ऑफ किडनी के लिए। इसके बारे में भी हमने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था। साथ साथ अगर हम देखते हैं कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन का इस किडनी के सिस्टम पे अगर हम उस तरह के ड्रग दें जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या शॉर्ट में NSAID ड्रग, तो जो हमारे इस तरह के ड्रग हैं वो बेसिकली इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इनके इफेक्ट के अफेक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन दे रहे हैं किडनी पे वो भी डेफिनेटली साइमल्टेनियसली अफेक्ट भी होगा। तो कह सकते हैं कि जो आपके NSAID हैं वो आपके किडनी के फंक्शन को अल्टर करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जो डायरेटिक इफेक्ट है, जो लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर को रेगुलेशन है, जो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग का कम समहाउ इफेक्ट है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं NSAID के यूज करने पे अफेक्ट होंगे। इनके बारे में डिटेल से हम तब कुछ दिनों में पढ़ेंगे जब NSAID के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन का एक और इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो ये जो एक्शन हम जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसके साथ एक टैग लाइन जरूर जुड़ा होगा, दैट इज इंफ्लेमेशन एंड पेन। तो जब कभी भी पेन है, इंफ्लेमेशन है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रोस्टाग्लैंडिन एक जरूरी तरीके से अपना जो एक एक्ट है, एक रोल है किसी उस जो प्रोसेस में, वो अच्छी तरह से निभा रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में इसको एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन आर मेजर प्लेड मेजर रोल इन केस ऑफ इंफ्लेमेशन। तो अब ये देख लेते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो केमिकल मैसेंजर है, ये कैसे कैसे किन किन अफेक्ट के प्रोसेस को चेंज करते हैं जिसकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन का जो कैस्केड है वो इनिशिएट और टर्मिनेट होते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो ये आपके ब्लड फ्लो को उस साइट पे इंक्रीज करते हैं जहां पे कोई ऐसा सब्सटेंस कट के फॉर्म में बॉडी तक एंटर कर रहा होगा, वहां पे ये ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी ल्यूकोसाइट के इन्फिल्ट्रेशन को भी इंक्रीज करते हैं। चूंकि आज हम बात नहीं कर रहे वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में, फिर भी हम छोटा सा ये जान लेते हैं कि व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन। तो अगर आपको ये समझें इन्फ्लेमेशन के कैस्केड के प्रोसेस के बारे में, तो एक ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड नॉर्मली फ्लो हो रहा है तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ब्लड और अदर कंपोनेंट इररेगुलर फॉर्म में फ्लो हो रहे होते हैं। जब कभी भी कोई ऐसा शार्प नीडल ऑब्जेक्ट आपके ब्लड वेसल को रप्चर करता है, वहां पे एंटीजेनिक सब्सटेंस आना शुरू होते हैं, हमारे बॉडी के जो केमिकल मैसेंजर है साइटोकाइनेस वगैरह हैं ये रिलीज होना स्टार्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है, हिस्टामिन भी रिलीज होते हैं, ऐसे काफी चीजें जिसको हम केमिकल मैसेंजर के नाम से अभी डिनोट कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो वो स्टार्ट होते हैं। इनके कारण से सेलेक्टिन और इंटेग्रिन जैसे दो चीजें एक्टिवेट होती हैं और हमारा जो ल्यूकोसाइट का मूवमेंट है इररेगुलर पैटर्न में, ये एक मार्जिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं मार्जिनेशन। इन मार्जिन का कहने का मतलब है कि ये आपके इररेगुलर फ्लो से आपके ब्लड वेसल्स की ओर मूव करते हैं, एक सीधी लाइन जैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे जो ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं इनके बीच का गैप थोड़ा सा ओपन होता है और ये जो WBC सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये आपके ब्लड और उस ब्लड वेसल्स के थ्रू होकर के आगे पहुंचते हैं जहां पे इस तरह के एंटीजेनिक या चोट लगने वाली ट्रॉमा के सब्सटेंस या कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, तो वहां पे वो जाकर के उस पर्टिकुलर एंटीजेनिक सब्सटेंस बैक्टीरिया को एंगल्फ करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस। तो एक प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन केस में। तो इस तरह से हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इनका इंपॉर्टेंट रोल है आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करने में, साथ ही साथ आपके जो इन्फिल्ट्रेशन है ल्यूकोसाइट के इनके इंक्रीज करने में, और आगे जाकर के हम ये भी देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ एडिमा को भी कॉज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एडिमा इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन तो लॉजिकली ही समझ में आ गया है, आगे भी अगर हम देखेंगे तो क्योंकि ये आपकी ल्यूकोसाइट के इन्फिल्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये एडिमा को कॉज करेंगे। ये एडिमा इन्फ्लेमेशन के साथ भी रिलेटेड हो सकता है और जनरली एज सच भी ये इंक्लूड हो सकते हैं, जिनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन एज वेल एज रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर हम बात करते हैं बोन के केस में, तो यहां भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये इंक्रीज करते हैं बोन के रीअब्जॉर्प्शन को बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक एज वेल एज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये आपके जीपैट एमसीक्यूज या कोई भी एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ये आपके रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन दोनों को अफेक्ट करते हैं। ये दोनों क्या है, व्हाट इज द बोन रिजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन, इसका मतलब या यू कहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्टिक एंड ऑस्टियोब्लास्टिक। तो एक आपके ब्रेकडाउन का प्रोसेस है ऑस्टियोक्लास्टिक, दूसरा आपके बोन के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। रिजॉर्प्शन कहने का मतलब होता है बोन के सेल्स का ब्रेक होकर के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में पहुंचना, ये आपका रिजॉर्प्शन कहलाता है। तो इस तरह से ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं आइस पे इनका क्या इफेक्ट होता है, तो ये भी एक जानने लायक चीजें हैं। खास करके प्रोस्टाग्लैंडिन और आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ टू अल्फा है, ये आपके इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के बारे में हमने पिछले सेमेस्टर की वीडियो में पढ़ा है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप हमारे ग्लॉकोमा की वीडियो को भी देख सकते हैं। इन केस ऑफ ग्लॉकोमा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए वो ग्लॉकोमा का कन्वर्जन होता है, और इनका जो कारण है वो एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर का है। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बात करते हैं, तो ये इसी तरह के जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है इनको कम करते हैं बाय इंक्रीजिंग द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ड्रेनेज का मतलब है कि उस जगह पे जहां पे वो एक्यूमुलेट हुआ है हमारा एक्वस ह्यूमर, वहां से रिलीज करके बाकी जगह पे लेकर के आना, डक्ट के थ्रू लेकर के आना। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में डिटेल मिल जाएगा हमारे ग्लॉकोमा वाले सेमेस्टर के पीजीओ में। तो इस तरीके से ये जो अपना इफेक्ट है ग्लॉकोमा को ठीक करने में भी शो करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन के केस में, तो ये एंडोक्राइन के केस में देखिए ये इंक्रीज करते हैं रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन को। जो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक इंपॉर्टेंट काम है वो यही कह रहा है कि आपके जितने भी हार्मोनिक सब्सटेंस हैं जिनके हार्मोन की वजह से बैलेंस स्टेबलाइज होता है, इनको ये फैसिलिटेट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो डायबिटीज के कंट्रोल के लिए भी रेगुलेट होते हैं और प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी कहीं कहीं रेगुलेट होते हैं। डायरेक्टली ये है, इनडायरेक्टली इसके हम कई सारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिराइव कर सकते हैं जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे, टॉपिक्स आते जाएंगे, हमको आज की वीडियो का यूज आगे देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद है दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। तो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन स्टेरॉइड के फंक्शन और साथ साथ उनके सिंथेसिस इन दोनों को भी स्टिमुलेट करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बात किया प्रोस्टाग्लैंडिन के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पे उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। रेफरेंस के बारे में हमने बात कही है, रेफरेंस हमने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी और फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मदा उदय कुमार, इन दोनों की बुक को टैली करते हुए और कुछ पॉइंट हमने नेट से भी यूज करते हुए आपके लिए लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट, तो थोड़ी देर में हम आपको दोनों व्हाइट बोर्ड का एक एक करके स्क्रीनशॉट अवेलेबल करा रहे हैं, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So at the last, thank you very much for watching this video. Thank you.